एपिसोड नंबर सेकेंड। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया बिला काफ़ी पुश्तैनी और रॉयल, चारों तरफ गार्ड, एक बड़ा सा शानदार कमरा जहां दो लोग बहुत ही सीरियसली बातें कर रहे थे। एक चेयर पर था विक्रम मल्होत्रा और दूसरी चेयर पर था सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो हमारे हीरो हैं। माहौल काफ़ी गर्म था। विक्रम जी कहते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो हम कर देते हैं, हमारे पास बहुत ऑप्शन हैं, शायद आप भूल गए उसने आपकी बहन और हमारी बेटी के साथ क्या किया था। मुझे बस किसी भी कीमत पर उसकी मौत और उस मल्होत्रा खानदान की इज्जत मेरे घर पर चाहिए। तो सिद्धार्थ, जो दिखने में बहुत ही सुंदर, स्मार्ट और हैंडसम था, पर उतना ही खतरनाक, अपने पापा की बात कभी नहीं टालता। सिद्धार्थ कहता है, पापा आपने जैसा कहा वो हो जाएगा। उस इंसान की मौत की खबर आपको कल ही मिल जाएगी। पर ये सुनकर विक्रम जी कहते हैं, पर क्या? आज पहली बार तुम्हारे मुंह से पर सुना, क्या कहना चाहते हो तुम सिद्धार्थ? तो सिद्धार्थ अपनी कोल्ड बॉयज में कहता है, पापा उस लड़की को यहाँ लाने की क्या ही ज़रूरत है, हमारा बदला तो पूरा हो ही जाएगा उसे मारकर। तो विक्रम जी कहते हैं, मुझे सिर्फ बदला नहीं, उस घर की बर्बादी रुसवाई चाहिए, जिससे उनके पास हमारे आगे नाक रगड़ने के अलावा कोई भी जगह ना बचे, कोई भी ऑप्शन ना बचे। तो सिद्धार्थ कहता है, ओके पापा, आपने जो सोचा है वो पूरा होगा। सिद्धार्थ अपने कमरे में आता है, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। अगली सुबह मल्होत्रा परिवार, सिया पूरी रात नहीं सोई थी, उसे डर था कहीं समर को होश आ गया तो। सिया 5 बजे ही नहाकर रेडी हो जाती है, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, पर सिया के चेहरे पर ज़रा भी खुशी नहीं थी। सिया का पूरा चेहरा मुरझाया हुआ था। सिया धीरे से कमरे के बाहर जाती है और भगवान के मंदिर को साफ करके पूजा करने लगती है। आधे घंटे बाद दामिनी जी नीचे आती हैं तो वो सिया को मंदिर में देखती हैं। तो दामिनी जी ऊंची आवाज़ में कहती हैं, आज तो तू यहाँ आ गई, मंदिर में अगली बार से अगर मुझे यहाँ दिखी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, खुद को यहाँ की मालकिन मत समझना, कभी नौकरानी थी नौकरानी ही रहोगी। सिया की आंखें नम हो जाती हैं तो दामिनी जी कहती हैं, ये नकली आंसू, ये नकली घड़ियाल के आंसू मुझे मत दिखाओ और चलो नाश्ते की तैयारी करना है। तो सिया नाश्ते की तैयारी करने लगती है। वहीं कमरे में समर की नींद खुल चुकी थी। समर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। कल रात उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रग्स और शराब पी ली थी। कुछ देर बाद वॉशरूम में जाकर समर फ्रेश होता है और नीचे आता है। समर की नज़र सिया पर जाती है जो नाश्ता बना रही थी। समर किचन में आकर सिया को पीछे से पकड़ लेता है, जिससे सिया डर जाती है। समर सिया से कहता है, कल पच गई बेबी, पर आज नहीं, अभी मेरा मूड है तो आ जाओ ऊपर, अगर नहीं आई तो तुम्हारी खैर नहीं। सिया घबरा जाती है। इतने में ही
समर का फ़ोन बजता है। समर कॉल उठाता है। मोहन जी कहते हैं, मैं एक फ़ाइल घर पर भूल चुका हूँ, जल्दी ऑफिस में लेकर आओ, अर्जेंट है। समर कहता है, नो डैड, आप किसी नौकर से मंगवा लीजिए। तो मोहन जी कहते हैं, वो फाइल पर्सनल है, किसी के हाथ नहीं दे सकता, तुरंत मुझे देकर जाओ। तो समर बेमन से कहता है, ठीक है डैड, और सिया को देखकर कहता है, फिर बज गई, कोई बात नहीं, रात को मिलते हैं। जाने मन समर फाइल लेकर घर से निकलता है और कार में बैठकर निकल जाता है। इतने में ही समर के दोस्त का कॉल आता है। समर एक मछली हाथ आई है। समर एक मछली फंस चुकी है, जल्दी आ मेरे फार्म हाउस पर। तो समर कहता है, ओके ब्रो, अभी आता हूँ। समर जल्दी से अपने डैड को फाइल देकर कहता है, डैड, आज से मुझे ये काम मत दिया करो, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मोहन जी कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है तुम कहाँ बिजी हो। सम्राट, मैं तुम्हारी गलतियों को छुपा छुपा कर परेशान हूँ। अब तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तो सुधर जाओ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। समर कहता है, बस डैड, मेरे पास आपकी फालतू की बात हो, बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, और कंपनी से निकल जाता है। मोहन जी अपना सर ना में हिलाते हैं और कहते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। वहीं समर अपने फ्रेंड के फार्म हाउस पर पहुंचता है, पर उसे वहां कोई नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वहां समर चिल्लाकर कहता है, अबे साले, अब सवर नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी कर, कहाँ है तू। तो हेलो गाइस, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, और हमारे जो आज का एपिसोड है वो आपको कैसा लगा? मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा धमाकेदार नहीं है, बट नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। और आपको हमारे जो हीरो हैं सिद्धार्थ, उनका जो मैंने अभी सेकेंड एपिसोड में उनका इंट्रोडक्शन दिया है, वो कैसा लगा, उनके बारे में आपको धीरे धीरे जानने को मिल जाएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, मुझे प्लीज़ बताइएगा। और जैसे कि आप लोगों ने अगर इस स्टोरी का टाइटल या ट्रेलर नहीं देखा है, तो आप उसको ज़रूर सुन लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और कौन कौन से परिवार हैं जिनकी दुश्मनी एक दूसरे से है। तो आप प्लीज़ पहले ट्रेलर देख लीजिए, उसके बाद स्टोरी सुनिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने ट्रेलर में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि स्टोरी में आगे क्या हो सकता है, तो बने रहिए इस स्टोरी में। और आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, और थैंक यू सो मच और लव यू बहुत सारा आप सभी का, जो आप मुझे इतना 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 ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।